रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने पिकअप चोरी करने वाले अभियुक्त को 48 घंटों के भीतर गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस ऑफिस में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान इरशाद अहमद पुत्र भोलू निवासी दुबरा रसूलपुर थाना बरदहा जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है, जिसके पास से चोरी की पिकअप गाड़ी गत्ते के साथ बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि यह पिकअप 2 दिन पहले चोरी हो गई थी, जिसके संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, उप निरीक्षक बबलू कुमार, ओम प्रकाश बिंद, कांस्टेबल सुरेंद्र वर्मा, मुन्ना यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना रामगढ़ताल पुलिस द्वारा अभी से 48 घंटे पहले चोरी हुई एक मैक्स पिकअप को आजमगढ़ से बरामद कर लिया गया है। इस टीम में सब इंस्पेक्टर बबलू कुमार एवं उनके अन्य साथियों द्वारा यहां से आजमगढ़ तक के सारे कैमरे ट्रेस करते हुए उस पिकअप को 48 घंटे के अंदर अंदर बरामद किया। उसके साथ ही जो उस पिकअप का ड्राइवर, जो कि लालच में आकर उस पिकअप में जो सामान था उसको बेचना चाहता था और पिकअप को भी बिहार में बेचना चाहता था, इस तरह के जो मार्केट हैं बिहार में भी ट्रेस किए जा रहे हैं कि एग्जैक्टली वो कहाँ पे बेचना चाहता था। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका नाम इरशाद अहमद उर्फ भोलू है। और अभी तक की इस कार्रवाई के अंदर जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि सीसीटीवी का रोल, जिससे तुरंत ही पता चला कि कौन व्यक्ति इसको एक्चुअली पिकअप को यहाँ से लेके गया है। और जब वो फोटो क्लियर हुआ उसके बाद में जानकारी हुई, उसके बाद में सर्विलांस के आधार पर भी इसमें बखूबी उपयोग कर ये कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। नहीं, ये एक्चुअली इस पिकअप का ड्राइवर था और इसका पूर्व में ऐसा कोई आपराधिक इतिहास अभी तक प्रकाश में नहीं आया। इसके लिए यहाँ से आजमगढ़ तक करीबन 15 जगह पे सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाला गया है, तब जाके ट्रेस हुआ है।